आपके सामने लेके आया हूँ नीमो टीवी पे एक्सक्लूसिव पहली बार। आईटी प्रिंस यहाँ पर हमारे सेट पे आ चुके हैं। वेलकम प्रिंस, वी आर यू नो प्लीज टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू ओके। तो मैं मतलब आपके तारीफ में क्या ही कहूँ, आपको तो सारे जानते ही हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे व्यूवर्स और जितने भी यहाँ पे फैंस देख रहे हैं। हैशटैग आईटी प्रिंस ओपी इन द चैट चलते रहना चाहिए गाइस, हैशटैग आईटी प्रिंस ओपी, हैशटैग प्रिंस ओपी चलते रहना चाहिए चैट में। तो प्रिंस भाई चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा हमारे दर्शकों का, आपके साथ मुखातिब कराता हूँ इमीडिएट बेसिस पे। तो अपने बारे में बताइए फिलहाल, मतलब आपकी पबजी की जर्नी के बारे में बताइए, आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, फिर कौन कौन से आपने लाइनअप्स बदले, अब प्रेजेंटली आप कौन से लाइनअप्स में खेल रहे हो, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे। प्रेजेंटली तो मैं खेल रहा हूँ इंसेन से, इंसेन आपने नाम सुना होगा टीम इंसेन स्पोर्ट्स, तो मैं उससे खेल रहा हूँ। अभी मैं आईजीएल का रोल कर रहा हूँ उसमें, और अभी हम उसमें से खेल रहे हैं। और बात रही मेरी स्टार्टिंग की, तो हमने स्टार्ट किया था जब मैं जो वो था पेड कस्टम्स, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मैं, मावी, कैरी और एक एफएफ एक्सो करके था, तो हम चार खेलते थे उसमें। तो हम चारों ने वैसे स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मावी ने बोला कि चलो अपन पीएमसीओ ट्राई करते करते हैं, तो फिर हम पीएमसीओ ने ट्राई किया हमने, तो उसमें भी क्वालिफाई हो गए। उसमें क्वालिफाई करके हम उसमें भी टॉप पे चले गए, तो फिर हमने सोचा कि चलो खेल लेते हैं थोड़ा अच्छे से, तो मन लगा के खेल लिया उस टाइम पे। उसके बाद मैं 8-bit में गया, 8-bit के बाद 8-bit से मैंने पीएमसीओ खेला, उसके बाद मैं दूसरा पीएमसीओ आया, उसके बाद मैं एलिमेंट में आया, एलिमेंट में पीएमसीओ खेला, अभी ये पीएमसीओ आया, इसमें मैं इंसेन से खेल रहा हूँ। बहुत सही, मतलब पूरा पूरा तगड़ा एक्सपीरियंस कैरी कर रहा हो आप अपने साथ। मैं वो जानता हूँ चीज कि जब आईटी ने फर्स्ट टाइम एंट्री लिया था पीएमसीओ में, शायद पीएमसीओ ही था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंटरव्यू हुए थे उस वक्त। इंटरव्यूज में मैंने देखा था कि आईटी को उससे पहले कोई जानता नहीं था, मैं तो जानता नहीं था क्योंकि मैं मतलब मैं स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, बट आईटी ने चैलेंज किया था सोल को कि हमारा ड्रॉप है पुल, और क्या ही डोमिनेटिंग लाइनअप था आपका, वाकई में स्टिल मावी इज आल्सो डूइंग गुड, ऑल द प्लेयर्स आर आल्सो डूइंग गुड, आप भी मतलब बहुत सही जगह पे, यू आर आल्सो डूइंग इट, वो लाइनअप बहुत सही था। उस लाइनअप के बारे में आप कुछ बताइए हमें। उस लाइनअप में हम अच्छा, हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, मावी का आईजीएलिंग अच्छा था, फिर वो उस टाइम पे कैरी का असॉल्टिंग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, उसके मुकाबले कोई नहीं था, फिर स्वयं भी अच्छा था, और मतलब सारी टीम मतलब पूरी कंप्लीट थी, स्वयं सपोर्ट अच्छा करता था, मैं और वो कैरी असॉल्टिंग अच्छा करते थे, और मावी आईजीएलिंग अच्छा करता था, पूरा एकदम सेट था उसका, सारे बंदों को एक एक अपना रोल पता था कि क्या करना, इसलिए हमारा हो गया अच्छे। जी जी जी। और एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, बहुत से लोग इंसेन एग्जाम प्रोनाउंस करते हैं, इज इट इंसेन एग्जाम और इंसेन अखोम? अखोम अखोम, वो आसामी से ना वो लोग, तो इसलिए उसको एग्जाम नहीं अखोम बोलते हैं, अखोम बोलते हैं। मेरे को भी बाद में पता चला, जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं भी एग्जाम एग्जाम कर रहा था, उन लोगों ने बोला नहीं रे इसको अखोम बोलते हैं, मैंने बोला ठीक अखोम बोलते हैं। ओके ओके। तो इस लाइनअप के बारे में देखो, जहां जहां पर भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती है सिर्फ मतलब इंसेन अखोम का नाम सामने आता है, इनका नाम था। इस लाइनअप के बारे में हमें कुछ बताइए कि पुआली है, मैं जानता हूँ शॉकवेव है, शायद घासली भी है आपके लाइनअप में, तो आपके इस नए लाइनअप के बारे में बताइए हमें। और दिस लाइनअप बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, मैं आपके पोस्ट भी देख रहा था, दिस लाइनअप इज रियली डूइंग ग्रेट। हम ओवरऑल पे अभी जो बैटल ऑफ स्टार चल रहा था उसमें लास्ट दिन के लास्ट सेकंड गेम पे हम फर्स्ट नंबर पे थे, और फिर हमें टारगेट कर दिया कुछ लोगों ने, तो हम मर गए, और जो टॉप फाइटिंग थी उन सबने परफॉर्म कर लिया, सारी की सारी परफॉर्म कर ली वो गेम में, लास्ट गेम में सारी परफॉर्म कर ली, और सारे हमसे ऊपर आ गए, और हम सीधा फोर्थ। गलत ही सीन हुआ, लास्ट 23 गेम तक हमने फर्स्ट टॉप किया, फिर लास्ट गेम पे हम सीधा फोर्थ हो गए। और ये आपकी मैं पोस्ट देख रहा हूँ, यहाँ पोस्ट भी कुछ कैंपर वगैरह लिख रहे हो इसके बारे में। यहाँ पे अरे वो तो किसी एक बंदे ने बोल दिया था गलती से मेरे को कि तो भाई प्रिंस तो कैंप करता है, तो फिर मैंने ऐसे ही वो एकदम मना दिया कि उसके लिए कि देख भाई कैंपर ओके मैं देख रहा था पोस्ट, और मैं देख रहा था मतलब क्या ही परफॉर्मेंस, दिस टीम इज आल्सो रियली परफॉर्मिंग ग्रेट। अब आगे के लिए विजन क्या है, आपका प्लान क्या है स्पोर्ट्स में, हाउ यू आर प्लानिंग, हाउ यू वांट टू सी योरसेल्फ नाउ? मैं अभी स्ट्रीमिंग करना चाहता हूं अच्छे से, पहले YouTube पे स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ, और जो भी मतलब कोई एप्लीकेशन या कुछ भी हो तो वैसे वो प्लेटफॉर्म पे मैं स्ट्रीम करना चाहता हूँ, और ऐसे स्ट्रीम करके बस अच्छे से थोड़ा अपना नाम करना चाहता हूँ, और परफॉर्म करके इंडिया को प्रेजेंट करना चाहता हूँ वर्ल्ड में।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, व्हाट अ वंडरफुल थॉट्स यू आर हैविंग प्रिंस भाई। तो बिफोर के हम अपना इंटरव्यू खत्म करें, जाते जाते आपके फैंस के लिए, सपोर्टर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उनको? मैं तो बस इतना बोलना चाहता हूँ कि किसी को हेट मत करो, कोई भी अगर कोई वीडियो डाल रहा है किसी के खिलाफ तो ऐसे गालियां मत दो कि भाई तू इससे अच्छा है, तू इससे अच्छा है, अच्छे से खेलो, सारे अच्छे हैं, हम तो खेलते हैं। आप बैठ के बस सपोर्ट करो इंडिया को, ये नहीं कि बीटीआर इतना अच्छा खेली इंडिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो सपोर्ट करो कि भाई होगा होगा नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ऐसे करके बस सपोर्ट करो, सपोर्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिक अंदर से लोगों को हो जाएगा। इंडिया को पहले कोई जानता भी नहीं था, इस बिल्कुल वही है ना, आरक्षण सही कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रिंस भाई कि पहले कॉम्पिटिटिव का सीन था ई स्पोर्ट्स में, इंडिया को जानता नहीं था, बट पास के 2 साल से जब से पबजी आया, जिस हिसाब से मतलब ग्राइंडिंग की है लड़कों ने, जिस हिसाब से मतलब प्रैक्टिस किया है और अपने आप को प्रूव करा है मार्केट में, तो इसे ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल की दाद देते हैं इस चीज की। तो और प्रिंस भाई, और आप जाने से पहले कुछ अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए ना, मतलब आपकी टीम की एक फनी एक्टिविटी, मतलब जो भी आप कस्टम वगैरह खेल रहे हो, लैंग्वेज गैप आ रहा है आपको मतलब टीम के साथ सिनर्जी में? अरे बहुत 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 आ रहा है वो तो। बताइए कुछ बताइए। हमारा एक प्लेयर है राणादीप, उसका कॉल देने का खतरनाक है, उसके बंदे होते हैं हिल पे तो बोलता है मेरे सामने बंदे, उसको इतना ही आता है बस मेरे सामने बंदे, कॉल करना नहीं आता, इतना वो हो जाता है घबरा जाता है, वो कॉल नहीं दे पाते हमारे बंदे। वो भी अच्छा खेलता है, मैंने उसका भी गेम देखा, ही आल्सो प्लेस गुड। हां वो भी अच्छा खेलता है, बट थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहेगा ही ऑब्वियसली। अरे उन हमारे में प्रॉब्लम क्या है कि किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है इतना। राणादीप पहले T1 नहीं खेलता था इतना, अभी अभी उसको लाया है, उसको स्प्रे गॉड को दोनों को हम नए नए लाया, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वाली और वो लोग खेलते थे पर वो T3 T2 खेलते थे पहले, क्योंकि एग्जाम इतना वो नहीं था ना उनका, तो उसी वजह से। पर अभी वो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो इम्प्रूव इसलिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप जैसा IGL मिल जाएगा तो भाई क्या ही बताएं, पूरा धमाका है इंडस्ट्री में, पूरा धमाका। तो ये थे हमारे IT प्रिंस भाई, जो कि IT प्रिंस भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपके इतने बिजी स्केड्यूल में से, आपके कॉम्पिटेटिव स्केड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया, और आपके सारे फैंस के साथ रूबरू करने के लिए आप यहाँ पर आए। मैं यू नो वी आर एक्सट्रीमली यू नो प्लीज एंड फील हॉनर कि आप हमारे सेट पे आए। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई।